रायबरेली ब्रेकिंग। रायबरेली प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व रायबरेली के प्रभारी मंत्री दिनेश शर्मा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे रायबरेली। पिट ब्लूडी गेस्ट हाउस पहुंचे डिप्टी सीएम। बीजेपी नेताओं ने किया डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने आज रायबरेली में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर माल्यार्पण कर दीपदान किया। रायबरेली में एक दिवसीय दौरे के दौरान निरक्षर भवन व मंगल लान में कृषकों व जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संबोधन से किसानों को कराया रूबरू। हमारे संवाददाता मोनू सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। ऐसा कुशासन चला कि उन्होंने ये किया कि जो किसान आत्मनिर्भर रहता था उस किसान से उन्होंने खेती किसानी का स्तर बदला। और प्राथमिक गांव में था महोदय, वहां पर 75% अधिक हमारी धान खरीद हो चुकी है और लगातार आपके निर्देशन में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व अधिकारियों के माध्यम से लगातार निरीक्षण कराए जा रहे हैं कि कोई दलाल व बिचौलिया सक्रिय न हो। और अब तक मुझे बताते हुए हर्ष है कि 75% लगभग खरीद हमारी पारदर्शी रूप से पूर्ण हो चुकी है। जनपद में कुछ अन्य योजनाएं भी हमने ली हैं माननीय महोदय, जिसमें बताना चाहूँगा कि हमने जो स्टबल बर्निंग या पराली प्रबंधन होता है उसके लिए 1100 कंपोस्ट पिट किए थे। उसका मेन उद्देश्य ये था कि किसान भाइयों को अपनी जो अवशेष फसल होता है उसके लिए भी हम कुछ मनरेगा के तहत और 14वें वित्त से उनको कुछ वित्तापूर्ति कर सकें, जिसके साथ उनको लगभग प्रति एकड़ 3 से 4 हज़ार रुपये की राशि मनरेगा द्वारा जॉब कार्ड के माध्यम से दी जाती है।